नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता सभी भवन का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। ऐसे गुण वाले लोगों को साधना सिद्धि जल्दी मिलती है, यानी कि वो कोई भी साधना करते हैं उनको सफलता जल्दी मिलती है। जिन लोगों में ये गुण होते हैं फर्स्ट टाइम ही वो साधना सिद्धि ले जाते हैं, यानी कि देवता भी उनके ऊपर जल्दी प्रसन्न होता है। सबसे पहले निवेदन रहता है कि अगर हम चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना। तीन मेरे और चैनल है गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षण, बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधी कोई भी ऐसी सामग्री लेनी है आप इसी चैनल के ऊपर या किसी भी चैनल के ऊपर माय प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। जिनके गुरु ने उनका साथ छोड़ दिया, जिनकी चौकी बंद गई है, चाहे पहले सवारी आती है या सवारी खुलती नहीं है या झटका पड़ता है या सवारी आती है लेकिन बोलती नहीं, या जिसके घर में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है मेरे साथ कंसल्ट कर सकता है। तांत्रिक क्रिया होगी मेरे द्वारा पूरा ही उसका, वो बोलते हैं कि अपनी तरफ से जितना तो पूरा एफर्ट करा जाएगा। जो फ्री वाले उपाय वो फ्री बताए जाएंगे, जहाँ पर जो लगना खर्चा वो आपका ही रहेगा। बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जितनी भी मेरे द्वारा क्रिया यहाँ पर दी जाती है गुरु स्निध में करनी है, मेरा काम जानकारी देना, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो बनाए जाते हैं। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो जोखिम और रिस्क आपका ही रहेगा, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना और आप भी इन्फॉर्मेशन के लिए इन वीडियो को देखें। कोई भी चीज़ करनी है किसी जानकारी एवं गुरु के अंडर रह के ही आपने चीज़ करनी है। सो बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ऑलरेडी। और सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग मैं सनी नाथ पर लेता हूँ, आप वहाँ पर भी लाइव चैट में मेरे साथ जुड़ सकते हो। और जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं मैं आपको बता दूँ, जो लोग काफ़ी समय से मेरे से जुड़े हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, उनको ही गुरु मंत्र मिलेगा, वो भी गुरु पुनः और देन, उसके अलावा नए सिरे से किसी को नहीं मिलेगा। आप लोग मिल सकते हो साधना सिद्धि के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम में मैंने सिर्फ रास्ता देना है, मंत्र डायरेक्टली और साधना सिद्धियां मैं डायरेक्टली नहीं पकड़ाता हूँ किसी के भी हाथ में। सो मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। देखो, जो भी साधना सिद्धि में पढ़ता है या साधा सफलता के लिए लोग बहुत प्रयोग करते हैं, मैं आपको बताऊँ, इंटरनेट से लोग या किताब से, बुक से, या किसी गद्दी वाले से कोई मंत्र ले लिया। अभी ये नहीं पता कि गद्दी वाला अधूरा देता है या कुछ भी देता है, उसने ज्ञान दिया, हम वो मंत्र जपते हैं लेकिन फिर भी हमको बार बार असफलता मिलती है, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका कारण आपको बता देता हूँ। एक तो आपका ना, क्योंकि आप जब भी कोई साधना करते हो बिना संकल्प के आपने साधना नहीं करनी है, क्योंकि साधना संकल्प के साथ ही पूर्ण रूप से मानी जाती है और पूर्ण रूप से संकल्प में ही आपको साधना की सिद्धि मिलती है, क्योंकि संकल्प में आपके वचन होते हैं और संकल्प जब आप पूर्ण करते हो तो देवता के आपके साथ वचन हो जाते हैं। दूसरी बात है जो गुण बंदे में होने चाहिए वो क्या क्या, और तीसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं कि सेवा और साधना में बड़ा फर्क है। साधना हमेशा गुरु सनिधि एवं जानकार के सनिधि में करी जाती है। आप सेवा वैसे कर सकते हो बिना संकल्प के भी, यानी कि नॉर्मली ग्रस्त जीवन में रह के किसी भी नियम की पालना नहीं करनी है। बस यह है कि दारू, मीट, अंडा, मांस, मदरा और प्राय स्त्री के पास जाना, या स्त्री कर रही है तो स्त्री का प्राय मर्द के पास जाना और रिलेशन, बस इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी आप नॉर्मली अपने घर का खाना खा सकते हो, लहसुन प्याज भी खाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मांस मदरा और या दारू का सेवन आप नहीं कर सकते हो, चाहे साधना हो चाहे सेवा हो। तो गुण क्या, मैं आपको बताऊँ, जो बंदे की कैपेबिलिटी आसन पर बैठने की ज़्यादा एवं जो पूर्ण मगन मस्त में होकर साधना करता है। तीसरे गुण उसमें क्या होना चाहिए कि जब भी वो कोई भी साधना सिद्धि करता पूर्णतः दृढ़ विश्वास के साथ करता है। चौथी बात उसमें, चौथा गुण ये है कि जो ध्यान लगाने की क्षमता रखता है एवं अपने विचारों को खत्म करने की क्षमता रखता है। और कुछ लोगों का बोलते हैं शनि राहु और केतु, अगर इनकी लोकेशन भी इनकी कुंडलिनी में सही है तो भी इनको सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। ये मंत्र जो लोग लाख जप करने पर सिद्ध करते हैं, ये 1000 जप करके ही मात्र उसको सिद्ध कर जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स एवं गुण हैं, जब आप में या किसी में भी ये होंगे तो वो साधना को जल्दी रहो। जिसका राहु प्रबल होगा वो भी हमेशा ही तंत्र की लाइन में बहुत ही ज़्यादा माहिर एवं बहुत ही ज़्यादा रुझान होगा उसका, और जल्दी उसको सफलता मिलेगी। शनि के कंडीशन से उसको रिद्धि सिद्धि, और राहु और केतु उसको बल एवं तांत्रिक क्रिया प्रदान करेगा। तो गुणों में ये कुछ प्रबल और मेन गुण है जो मैंने बता दिया। होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, और सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग सनी नाथ पर लेता हूँ यानी गुरु गोरखनाथ शिव गोरक्षण, तो सबके वीडियो आप अच्छे से देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना है। किसी प्रकार की साधना लेने के लिए, चौकी सवारी पैरा लेने के लिए, घर में दुख तकलीफ मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो। जो उपाय फ्री है वो फ्री बताए जाएंगे आपको, जहाँ पर जो खर्चा हवन भवन होगा आपका ही रहेगा। स्वदेश जय गुरु।